सबसे पहले तो मीडिया के आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आलोक कुमार दुबे जी, राजेश गुप्ता जी, कुमुद रंजन जी यहाँ मौजूद हैं। कल रात से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आज सभी सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने हम चार कांग्रेस के नेताओं पर निलंबन की कार्रवाई की है। सबसे पहले तो इसके सत्यता के जांच के लिए हम लोगों ने उनको पत्र आज लिखा है कि ये इसके जो समाचार पत्रों में या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें बाहर आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितनी सत्यता है। दूसरी बात, आप सबों के सामने हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, जो हमारे पूर्व के प्रभारी रहे हैं आरपीएन सिंह जी, उनके द्वारा जो बनाई गई टीम थी उसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाया था। मेरे भी दिमाग में और कुछ जो आम जनता में बातें घूमती हैं कि आज भी एक ऐसे ब्लाइंड व्यक्ति को कांग्रेस का कमान दिया गया है जो क्लासरूम में जाने योग्य नहीं है। ये भाजपा के जो रणनीतिकार है उसके इशारे पे इस राज्य में कांग्रेस को कमजोर कर रही है। आपने देखा होगा कैश कांड में तीन विधायक इरफान अंसारी जी माइनॉरिटी से आते हैं, उनकी अलग छवि राज्य के माइनॉरिटियों पे है, उसको किस प्रकार दरकिनार किया गया। राजेश कच्छप जी जो सरना आदिवासी से आते हैं उनको किस प्रकार अपमानित किया गया। जो क्रिश्चियन समुदाय से विक्सल कुंगाड़ी जी आते हैं उनको कैसे किया गया। और जो कांग्रेस के कोर वोटर है, वर्तमान ब्लाइंड अध्यक्ष ने उसी पे वार करना चालू किया है। सच, जब हम लोग जैसे कार्यकर्ता जो 30, 32, 33, 34 साल से लगातार कांग्रेस का झंडा लेकर, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर लोगों के बीच कार्य किया है, एक पहचान बनाया है हम लोगों ने। कोरोना काल में जब सारे लोग अपने घरों पे थे, इंक्लूडिंग जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है शो और उनके साथी, हम लोगों ने जान की परवाह किए वगैरह पूरे राज्य में, इस शहर में भी लोगों की सेवा की है। वो कांग्रेस के बैनर तले ही किया था, कांग्रेस के झंडा लेकर ही हम लोग किए थे। कागज के पन्ने पर कलम की स्याही से ये 6 साल निलंबित कर सकते हैं, लेकिन हमारी रगों में, हमारी खून में, हमारी नसों में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। 6 साल नहीं, आप आजीवन भी पार्टी से बाहर कर दीजिए, लेकिन यही हमारी अस्थि निकलेगी और इसी कांग्रेस पार्टी में ही हम रहेंगे। ये व्यक्तिगत दुश्मनी साधने का मंच नहीं है। अगर 18 महीने में हमने कुछ सवाल खड़े किए हैं तो आपको अनुशासन कार्रवाई करने के पहले आप हमको बुलाकर एक मौका दे सकते थे, पूछ सकते थे। और ऐसा नहीं है कि आप हमसे मिलते नहीं रहे हैं या आप हमारे से दूर रहे हैं। ये व्यक्तिगत प्रतिशोध आप निकाल रहे हैं। आपने कहा आपके समर्थकों ने कि हम बोकारो गए थे। हमारे घर के बगल डोरंडा में आप 10 मरतबा गए, सभा किया, कार्यक्रम किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए भी और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने कहा कभी आपत्ति दर्ज की थी।
हमारा गेंद सुप्रीम कोर्ट में है। आदरणीय मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के पास हम लोगों ने जाकर अपनी भावनाएं, अपनी गुहार प्रकट किया है और उन्होंने अधिकृत किया है इस पूरे मामले के लिए। इंतजार करना चाहिए था किस बात की, अगर हमारे 3-4-5 लोगों के निकल जाने से पार्टी मजबूत होती है तो आपके इस निर्णय को हम सिरोधार्य करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ये गलत फैसला है। जैसा किशोर जी, छोटू जी ने कहा, हम कई जमाने से, हमने रामेश्वर उरांव जी के भी साथ काम किया, हमने सुखदेव भगत जी के भी साथ काम किया, हमने प्रदीप बालमुचू जी के साथ भी काम किया, हम डॉक्टर अजय कुमार जी के भी साथ काम किए NSCY यूथ कांग्रेस की राजनीति के उपरांत, और हम सब ने देखा कि कई बार इन प्रदेश अध्यक्षों के खिलाफ लामबंदी हुई, मीडिया में भी बातें गई और देश के कई जगहों पर इस तरह की बातें हुई। प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली की आलोचना करना अगर पार्टी से निलंबन और निष्कासन है तो पार्टी इससे कमजोर होगी। और जो सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है वो सवाल आज भी जीवंत है कि आपको गणेश परिक्रमा और चाटुकारिता के बल पर RPN सिंह जी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी, आप उस काबिल तब भी नहीं थे, और आपकी मानसिकता आज एक बार फिर दर्शाती है कि आप आज भी उसके काबिल नहीं। वरना जिला अध्यक्षों के मनोनयन में शायद सोनिया गांधी जी ने अपने 22 वर्षों के प्रदेश अध्यक्ष की कमान रहते हुए बगैर महिलाओं के 33% के आरक्षण का एक भी कमेटी अप्रूव नहीं किया था, बगैर दलितों के, बगैर अल्पसंख्यकों के एक भी कमेटी को उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था। मैं मानता हूं आपने बाद में उसको जरूर किया, लेकिन तब तक साइकिल पंचर हो चुका है, आपकी मानसिकता लोगों के सामने आ गई। AICC के चुनाव की प्रक्रिया में रायपुर अधिवेशन में हम जाएंगे, रायपुर हम धरना देंगे वहाँ, हम वो लोग थोड़ी हैं कि हम आपके निर्णय कहीं आप चले, हम जाएंगे AICC जाएंगे, हम राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ने का काम किया, वहाँ जाएंगे हम जाएंगे लोगों के पास। आप हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन कर सकते हैं, और आपने वो पूरा प्रयास किया और आप जिस मुकाम पर गए वो आपने सबसे अंतिम अस्त्र का प्रयोग कर दिया हम लोगों के ऊपर में। पार्टी से निलंबन का फैसला तब होते हैं, आप दूसरे दलों से गए हुए लोगों को पार्टी में ला रहे हैं, जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े ऐसे लोगों को आपको आपने पार्टी में लाया। सोनिया गांधी के मूल सवाल पर आपने पार्टी छोड़कर चुनाव लड़े थे, आप कोरोना काल में, महामारी में आप घरों में विश्राम कर रहे थे, और आज आप हमको अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, और ये निलंबन कांग्रेस पार्टी में तो ये होता ही नहीं है, टाइम अवधि, और जो आपने 6 साल